नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सोनीपत नगर निगम कार्यालय में अचानक से सीएम फ्लाइंग की टीम ने विजिलेंस और पुलिस विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रेड की। सीएम फ्लाइंग की रेड से नगर निगम कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। टीम का नेतृत्व सीएम फ्लाइंग टीम के डीएसपी अजीत सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि निगम कार्यालय में लंबे समय से अनियमितताओं की शिकायत मिल रही है, जिसके आधार पर निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि कई दस्तावेजों को कब्जे में भी लिया गया है और जांच के बाद ही आगामी कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। सोनीपत नगर निगम सफाई ठेके, ई टेंडर घोटाले और कई अन्य घोटालों को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अधिकारी और कर्मचारी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति पर दाग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीएम फ्लाइंग की टीम सोनीपत नगर निगम कार्यालय में पहुंची। इसके बाद नगर निगम कार्यालय में खलबली मच गई। सीएम फ्लाइंग की टीम ने नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय का निरीक्षण किया और इसके बाद नगर निगम के कई विभागों के रिकॉर्ड्स को जब्त कर लिया। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से अधिकारियों को अधूरे पड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी अजीत सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से निगम कार्यालय की शिकायतें मिल रही हैं, इसके आधार पर निरीक्षण किया गया है, रजिस्टर को चेक किया जा रहा है। टीम ने कई रिकॉर्ड्स को अपने कब्जे में ले लिया है, साथ ही अधिकारियों को अधूरे पड़े कार्यों को लेकर जवाब दाखिल करने के आदेश भी दिए गए हैं। सोनीपत से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। नगर निगम पर जो है नॉर्मल रूटीन की चेकिंग है, जिसमें अटेंडेंस चेक की जा रही है और कुछ दस्तावेज अनियमितताओं से संबंधित हमारे को सूचना मिली थी, उनको चेक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने अपनी एक टीम गठित की है, जिसमें विजिलेंस को साथ लिया है और मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के नेतृत्व में एक जांच अभी चल रही है। जो आउटकम होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।